हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैविश किचन, डिलाइट इन एवरी बाइट। क्या आपको पता है ढाबे वाली दाल मखनी इतनी टेस्टी कैसे बनती है? नहीं। आज हम लेकर आए हैं ढाबे वाली दाल मखनी की सीक्रेट रेसिपी, तो स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखिए और कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दाल मखनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कप काली उड़द की दाल और पानी डाल के दाल को अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ करेंगे। पानी फेंक देंगे और दोबारा पानी डाल के दाल को एक बार फिर से साफ कर लेंगे। दाल के साथ ही लेंगे 1/4 कप राजमा और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह धुल लेंगे। दाल मखनी बनाने के लिए हमेशा लेंगे 4 हिस्सा उड़द दाल और 1 हिस्सा राजमा। दाल अच्छी तरह साफ हो गई है, अब इसे पकाते हैं। इसके लिए लेंगे प्रेशर कुकर और दाल को इसमें डाल देंगे। इसमें 4-5 कप पानी डाल के प्रेशर कुक कर लेंगे। इस दाल को पकने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसे कम से कम 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। और जब तक दाल पक रही है इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन में लेंगे 1 बड़ा क्यूब या 4 से 5 चम्मच बटर। इसमें 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल के भून लेंगे। अदरक का पेस्ट भून जाए तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स करेंगे और फौरन डालेंगे 1 कप फ्रेश टमाटर की प्यूरी या 3 मीडियम साइज के टमाटर को पीस लेंगे। अब इस मसाले को 6 से 8 मिनट पकाएंगे। इधर दाल भी पक गई है, इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह गल गई है। इधर मसाला भी भुन गया है। अब मसाले को दाल में या दाल को मसाले में डाल देते हैं। पैन में पानी डाल के मसाला अच्छी तरह साफ करके पानी दाल में डाल देंगे। मसाले को दाल में अच्छी तरह मिला लेंगे। अब एक लेडल या मैशर की हेल्प से दाल को थोड़ा मैश करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और 2 कप पानी। इसे ढक के 8 से 10 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दाल बर्तन पे चिपके ना। 10 मिनट बाद दाल काफ़ी थिक हो गई है। अब इसमें मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई। दाल को 1 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब दाल मखनी का लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसका तड़का। तड़का लगाने के लिए पैन में लेंगे बटर। अब दाल मखनी है तो सारे काम बटर में ही होंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई हो गए हैं, अब गैस ऑफ करेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा मसल के तड़के में डाल देंगे। तड़का रेडी है, अब इसे दाल में डाल के मिक्स कर लेंगे। ढाबा स्टाइल दाल मखनी रेडी है। अब इसका लास्ट स्टेप, प्लेटिंग एंड। दाल मखनी को गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम और बटर से और इसे सर्व करेंगे रोटी, लच्छा पराठा या बटर नान के साथ। टाइम टू ईट। आप इस बटरी ढाबा स्टाइल दाल मखनी को ट्राई करिए, इंजॉय करिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।